नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम मुद्दे की बात। और आज बात काशी मॉडल की उस गूंज की जो पूरे प्रदेश में सुनाई दे रही है, क्योंकि यूपी में फिर से परचम लहराने के लिए भाजपा काशी मॉडल को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या काशी मॉडल यूपी में काम कर पाएगा, क्योंकि जिस पूर्वांचल के जरिए भाजपा ने पिछली बार लखनऊ का रास्ता तय किया था, उसकी हवा इस बार बदली हुई नजर आ रही है। और अब इस बदली हुई हवा को अपने पक्ष में करने के लिए पीएम लगातार पूर्वांचल आ रहे हैं। ये पिछले दो महीने में पीएम का छठा पूर्वांचल दौरा था। भाजपा का मिशन 2022, क्या काशी मॉडल से पूरी होगी जीत की ख्वाहिश? ₹130 सीटों का पूरा ब्यौरा, दो महीने में प्रधानमंत्री मोदी का छठा पूर्वांचल दौरा। देश के सबसे बड़े सूबे की सबसे बड़ी जंग में पूर्वांचल राजनीति का सबसे बड़ा अखाड़ा बन गया है, क्योंकि यूपी चुनाव में काशी विकास का वो मॉडल बनकर सामने आया जिसका जिक्र अब पूरे चुनाव में होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी काशी में अपने हर संबोधन की शुरुआत और अंत हर हर महादेव के साथ करते नजर आए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जब जीत कर काशी आए थे, तब काशी में पतली और संकीर्ण गलियां थी। लेकिन 7 साल के बाद जब पीएम मोदी काशी कॉरिडोर का उद्घाटन करने आए, तो बाबा विश्वनाथ की नगरी एकदम बदल गई थी। काशी वो है जहां जागृति ही जीवन है। काशी वो है जहां मृत्यु भी मंगल है। काशी वो है जहां सत्य ही संस्कार है। काशी वो है जहां प्रेम ही परंपरा है। प्रधानमंत्री मोदी करीब 30 घंटे तक काशी में रहे, जहां पहले दिन पीएम मोदी ने दुनिया को काशी के विकास की तस्वीर दिखाई, वहीं दूसरे दिन पीएम मोदी उस स्वरवेद मंदिर गए जिसकी पहचान विहंगम योग के जरिए पूरी दुनिया में उभरने वाली है। लेकिन यूपी चुनाव में काशी मॉडल किस तरह हावी होने वाला है, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि गुड गवर्नेंस की मीटिंग में 12 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पीएम मोदी ने काशी मॉडल अपनाने की सलाह दे डाली, खास तौर पर यूपी, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर के मुख्यमंत्रियों को, जहां अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव है। जानकारों की माने तो काशी मॉडल ठीक उसी तरह है जैसे 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी अपने साथ गुजरात मॉडल लाए थे। लेकिन सवाल बड़ा है कि क्या काशी मॉडल के दम पर भाजपा यूपी में एक बार फिर जीत का परचम लहरा पाएगी, क्योंकि सवाल सिर्फ काशी का नहीं है, सवाल पूर्वांचल की 130 विधानसभा सीटों का है, जहां 2017 में भाजपा ने 87 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि सपा 14, बसपा 10, अपना दल S9, सुभाषपा 4, कांग्रेस 2, निषाद पार्टी 1 और 3 सीट पर निर्दलीय जीते थे। लेकिन 5 साल बाद पूर्वांचल में स्थिति बदली हुई है। ABPC वोटर के सर्वे में पूर्वांचल के अंदर भाजपा और सपा के बीच नेक टू नेक फाइट नजर आती है। वहीं अखिलेश यादव ने ओम प्रकाश राजभर से हाथ भी मिलाया है, जो पिछले चुनाव में भाजपा के साथ थे। इसके अलावा बाहुबली हरिशंकर तिवारी और उनके दोनों बेटों ने सपा का दामन थाम लिया है, जो न सिर्फ ब्राह्मण चेहरा है बल्कि गोरखपुर में उनका अच्छा खासा प्रभाव भी माना जाता है। और इस बदली हुई स्थिति का एहसास कहीं न कहीं भाजपा को भी है। यही वजह है कि पीएम मोदी पिछले 2 महीने में 6 बार पूर्वांचल आ चुके हैं।
20 अक्टूबर को उन्होंने कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था। 25 अक्टूबर को सिद्धार्थनगर से 9 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया। 16 नवंबर को गाजीपुर से लखनऊ के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात दी और 7 दिसंबर को गोरखपुर में एम्स का उद्घाटन किया। इसके अलावा 11 दिसंबर को बलरामपुर में सरयू कनाल प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया, जिसका कहीं न कहीं संबंध पूर्वांचल के कई जिलों से भी है। वहीं 13 दिसंबर को वाराणसी पहुंचकर भव्य काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया। लेकिन सवाल बड़ा है कि क्या रिटर्न में ने वोट भी मिलेगा, क्योंकि आचार संहिता लगने से पहले पूर्वांचल की झोली और भी भर सकती है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि चुनाव से पहले क्या इन सौगातों और काशी मॉडल से यूपी की हवा बदलेगी या फिर ये अपने हिसाब से चलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। भाजपा जहां काशी मॉडल को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है, तो वहीं विपक्ष चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी की यात्राओं को लेकर सवाल उठा रहा है। और विपक्ष के ये सवाल प्रधानमंत्री मोदी की काशी यात्रा के बाद तो और ज्यादा बड़ा हो गए हैं। विपक्ष का आरोप है कि चुनाव से पहले भाजपा योजनाओं के जरिए माहौल बना रही है। एक महीना नहीं, दो महीना, तीन महीना वहीं रहें, अच्छी बात है। वो जगह रहने वाली है, आखिरी समय पर वहीं रह जाता है बनारस में। तोड़ घोषणाएं, शिलान्यास एवं लोकार्पण आदि करने से भी इन विरोधी पार्टियों का जनाधार बढ़ने वाला नहीं है। इसका क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं, ये तो बिल्डिंग है, म्यूजियम है। प्रधानमंत्री की काशी यात्रा से चढ़ा यूपी का सियासी पारा। भाजपा पर विपक्ष का निशाना, चुनाव से पहले नहीं चलेगा कोई बहाना। वो जगह रहने वाली है, आखिरी समय पर वहीं रह जाता है बनारस। इन विरोधी पार्टियों का जनाधार बढ़ने वाला नहीं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा, जुबानी जंग तेज होती जा रही। और प्रधानमंत्री मोदी की काशी यात्रा के बाद तो मानो यूपी की सियासत में उबाल नहीं बल्कि भूचाल आ गया है। क्योंकि जहां भाजपा काशी को विकास का मॉडल बता रही, वही विपक्ष चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री की काशी यात्रा पर ही सवाल उठा रहा है। भारतीय जनता पार्टी को आप जानते हो, हम भी जानते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी ये बताएगी कि सबसे पहले काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए जो भवन लिया गया था, क्या समाजवादी सरकार में नहीं लिया गया? अगर वो जवाब दे दें, सच बोल दें, मंदिर में खड़े होकर के सच बोल दें, अगर ये तो जवाब हमसे भी ले जाना। केंद्र व यूपी की सरकार द्वारा भी आए दिन यह प्रदेश में की जा रही ताबड़तोड़ घोषणाएं, शिलान्यास व अधकच्चे कार्यों के उद्घाटन एवं लोकार्पण आदि करने से भी इन विरोधी पार्टियों का जनाधार बढ़ने वाला नहीं है। लखीमपुर खेरी पे डिस्कशन नहीं होगा, चाइना पे डिस्कशन नहीं होगा, किसानों पे डिस्कशन नहीं होगा, नहीं हो सकता, कैसे होगा? इसका क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं, ये तो अब बिल्डिंग है, म्यूजियम है। सवाल इस बात का है कि चुनाव से पहले हजारों करोड़ों की जो सौगात सरकार की तरफ से पूर्वांचल या फिर ये कहे कि काशी को दी जा रही, क्या उससे वोटर प्रभावित होगा? और अगर होगा तो इसका असर किस पर होगा? क्योंकि सवाल आचार संहिता का भी है, जो जब तक नहीं लगती सरकार के हाथ खुले रहेंगे और विपक्ष के पास सिर्फ निशाना साधने के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा। हालांकि चुनावी मौसम में यह कोई नई बात नहीं है, अक्सर चुनाव से पहले सरकारें उद्घाटन या सौगात देती हैं। जब अखिलेश यादव की सरकार थी तब भी उन्होंने कई परियोजनाओं के फीते काटे थे। उनसे पहले यही काम मायावती और उनसे पहले की सरकारों में भी होता आया है। लेकिन इस बार सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि काशी को मॉडल बनाया जा रहा, जो दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है। यह धर्म की वो नगरी है जिसमें लाखों करोड़ों हिंदुओं की आस्था है। जब चुनाव में भाजपा काशी का जिक्र करेगी तो उसके पास ये कहने के लिए होगा कि जो विकास काशी में हुआ वो मथुरा में भी हो सकता है। वैसे भी भाजपा का अगला एजेंडा मथुरा ही नजर आता है, जिसका जिक्र खुद यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बार बार कर रहे हैं। यही वजह है कि विपक्ष में कहीं ना कहीं खलबली मची है। लेकिन सवाल बड़ा है कि क्या जनता भी मथुरा, अयोध्या और काशी के नाम पर वोट करेगी या फिर वोट डालते वक्त महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे हावी होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।
के विजय पथ पर समाजवादी रथ की, क्योंकि जहां पीएम काशी में माहौल बनाकर दिल्ली लौट गए हैं, वहीं अखिलेश अपने विजय रथ पर सवार होकर पूर्वांचल फतह करने के लिए जौनपुर पहुंचे हैं। अखिलेश की नजर जौनपुर की 9 विधानसभा सीटों पर है, लेकिन जानकारों की माने तो अखिलेश की नजर काशी की घेरबंदी पर है, क्योंकि अब तक अखिलेश काशी के इर्द गिर्द जितने भी जिले हैं सबको नाप चुके हैं। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। बाईस के विजय पथ पर समाजवादी का रथ, ये जन समर्थन, ये जो जोश और ये उत्साह और ये खुशी, ये बदलाव की है, बदलाव होके रहेगा। पूर्वांचल की बाजी, जौनपुर की जनता किस पर होगी राजी? ये जो धक्का लग रहा है एक दूसरे के यहाँ, ये लहर है लहर, और ये उत्साह बता रहा है कि बदलाव होगा। जौनपुर में साइकिल ने बढ़ाई रफ्तार, जमीन पर जंग आर पार। ये आवाज तो बनारस तक जा रही होगी। ये समाजवादी पार्टी की हुंकार है, ये पूर्वांचल में अखिलेश यादव की ललकार है। एक बार फिर अखिलेश यादव विकास के रथ पर सवार होकर यूपी फतेह करने निकल पड़े। इस बार अखिलेश की नजर जौनपुर की 9 विधानसभा सीटों पर थी, जो सपा का गढ़ माना जाता है। लेकिन 2017 के चुनाव में उनके हाथ सिर्फ 3 सीटें ही लगी थी, जबकि भाजपा ने 4 सीटों पर जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार अखिलेश हिसाब बराबर करने के मूड में है। और बदलाव लाना इसलिए जरूरी है कि हमारा किसान दुखी है, निराश है हमारा किसान। किसान के चेहरे पर खुशहाली और खुशी लाने का काम हम सब लोग मिल करके करेंगे। हमारे नौजवानों ने साथ नहीं छोड़ा, दौड़ते भागते रथ के साथ साथ पसीना बहाते आए हैं। ये बता रहे हैं कि जब 22 में चुनाव आएगा तो यही नौजवान अपनी बेकारी को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, नौकरी को लेकर के इस डबल इंजन की सरकार को हटाने का काम करेंगे। बताओ, सहयोग करोगे कि नहीं करोगे? ये बाबा वाली सरकार हटाओगे कि नहीं हटाओगे? योग्य सरकार चाहिए कि योगी सरकार? ये योगी सरकार कुछ नहीं करने वाली, आपके भविष्य को अंधकार में ले जाएगी। अगर भविष्य बनाना चाहते हो तो योगी सरकार हटा देना और उत्तर प्रदेश में योग्य सरकार लाने का काम करना। अखिलेश के रथ पर ओम प्रकाश राजभर, कृष्णा पटेल और संजय चौहान जैसे साथी भी थे। अखिलेश यादव की नजर जहां पूर्वांचल पर है, वहीं दलित वोट बैंक पर भी। यही वजह है कि अखिलेश समाजवादी और अंबेडकरवादी का नारा लगाते नजर आए। जानकारों की माने तो अखिलेश की नजर जौनपुर से कहीं आगे की है, क्योंकि जहां भाजपा काशी को विकास मॉडल बना रही, वहीं अखिलेश काशी की घेराबंदी करने में जुटे हैं। इसे इस तस्वीर से भी समझिए कि जहां भाजपा का पूरा जोर काशी पर है, वहीं अखिलेश जौनपुर, आजमगढ़, प्रतापगढ़, चंदौली, मऊ और भदोही तक को नाप चुके हैं, जो बताता है कि अखिलेश ने कैसे काशी की घेराबंदी कर दी है। लेकिन सवाल बड़ा है कि क्या अखिलेश गठबंधन को हथियार बनाकर भाजपा के काशी मॉडल का मुकाबला कर पाएंगे, क्योंकि अखिलेश दम तो दिखा रहे हैं, लेकिन इस दम में कितना दम है ये चुनाव के बाद पता चलेगा, जब जनता अपने वोट की कसौटी पर इन्हें कसेगी और फिर पता चलेगा 22 के विजय पथ पर अखिलेश की साइकिल कितने कदम चल पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। मायावती की जिनका हाथी अकेला पड़ गया है, क्योंकि चुनाव से पहले उनके सब साथी साथ छोड़कर चले गए। आज मायावती ने अपने दल बदलू विधायकों पर जमकर हमला बोला, साथ ही उन दलों पर जमकर प्रहार किया जो दूसरे दलों में सेंधमारी कर रहे हैं। हालांकि मायावती ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन समझने वाले समझते हैं कि उनका ये तंज अखिलेश यादव पर था। बाईस की लड़ाई में अकेला पड़ा हाथी,
चुनाव से पहले छोड़ गए साथी। पार्टी में मची भगदड़ से मायावती ला दल बदलुओं पर उठाए तीखे सवाल। 2017 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के 19 विधायक जीत कर आए थे, लेकिन आज की तारीख में सिर्फ 3 विधायक ही बचे। 16 विधायकों ने या तो खुद पार्टी छोड़ दी या फिर मायावती ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया, लेकिन अब पार्टी छोड़ने वाले विधायकों पर मायावती का गुस्सा फूट पड़ा है। इसलिए बीएसपी इस किस्म की राजनीति से अपने आप को पाक साफ रखने का भी पूरा पूरा प्रयास करती है। इसी प्रकार यहाँ कुछ पार्टियों द्वारा एक एक सीट पर कई कई लोगों को टिकट का आश्वासन देकर वे उसकी आड़ में थोड़ी बहुत भीड़ इकट्ठा करके तथा अन्य और भी किस्म किस्म की नाटकबाजी करके इन विरोधी पार्टियों का जनाधार बढ़ने वाला नहीं है। मायावती को सबसे बड़ा झटका बाहुबली हरिशंकर तिवारी के परिवार से लगा है। हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय शंकर तिवारी गोरखपुर के चिल्लूपार से बसपा के विधायक थे, लेकिन उनके जाने से पार्टी का एक विधायक तो कम हुआ ही, साथ ही साथ एक बड़ा ब्राह्मण चेहरा उनका साथ छोड़ गया। मायावती के लिए झटका इसलिए भी है क्योंकि इस बार मायावती 2007 वाली सोशल इंजीनियरिंग के सहारे पांचवी बार यूपी की सत्ता हासिल करने का दम भर रही है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं मायावती की रणनीति फेल होती जा रही है, क्योंकि जब जब उनके विधायक पार्टी छोड़कर सपा में शामिल होते हैं वो ऐसे ही विधायकों को निष्क्रिय और स्वार्थी बताकर पलटवार करती है। यूपी में विधानसभा आम चुनाव होने से पहले यहाँ दूसरी पार्टियों के खासकर निष्कासित निष्क्रिय व स्वार्थी किस्म के लोगों को शामिल करने से किसी भी पार्टी का जनाधार बढ़ने वाला नहीं है, बल्कि जनता ऐसे घोर स्वार्थी तत्वों को अधिकांश आया राम व गया राम ही कहती है, साथ ही उस पार्टी को भी अच्छी निगाह से नहीं देखती है। विधानसभा चुनाव से पहले एक एक कर बसपा से तमाम विधायक पार्टी का दामन छोड़कर अन्य दलों में शामिल हो रहे हैं। अगर देखें तो सबसे ज्यादा किसी ने बसपा का नुकसान किया है तो वो है समाजवादी पार्टी, क्योंकि जितने भी विधायकों ने बसपा का दामन छोड़ा उनमें सबसे ज्यादा सपा की साइकिल पर सवार हुए हैं। और अब इसे लेकर आज बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बयान जारी किया, उन्होंने निशाना साधा है अन्य दलों पर और उन्होंने कहा कि इस विधानसभा चुनाव से पहले जो निष्कासित निष्क्रिय और स्वार्थी लोग हैं उन्हें अगर बाकी दल अपने आप शामिल करते भी हैं तो इससे उन्हें कोई फायदा नहीं होने वाला, बल्कि जनता सब देख रही है और जनता ऐसे दलों को अच्छी निगाह से नहीं देखती है। अब जरा ये भी समझ लीजिए कि 5 साल में कैसे हाथी का कुनबा कम होता गया। 2017 में सिर्फ 19 सीटों पर बसपा के विधायक जीते, उपचुनाव में अंबेडकर नगर की एक सीट पर हार हुई। 18 अक्टूबर को आजमगढ़ से विधायक सुखदेव राजभर का निधन हो गया। 30 अक्टूबर को 6 विधायक सपा में शामिल हुए। 31 अक्टूबर को जौनपुर से विधायक सुषमा पटेल भाजपा में शामिल हो गए। 7 नवंबर को लालजी वर्मा और राम अचल राजभर सपा में शामिल हुए। 24 नवंबर को आजमगढ़ से विधायक वंदना से भाजपा में शामिल हुए। 11 दिसंबर को गोरखपुर से विधायक विनय शंकर तिवारी सपा में शामिल हुए। आजमगढ़ से विधायक गुड्डू जमाली बसपा से अलग अखिलेश से मिले। मुख्तार अंसारी से मायावती किनारा कर चुकी हैं। अनिल सिंह ने राज्यसभा चुनाव में भाजपा को वोट दिया था। रामवीर उपाध्याय सीएम योगी से मिल चुके हैं, बसपा से निलंबित हैं। अब सिर्फ 3 विधायक ही बसपा के साथ खड़े हैं, यानी अब सिर्फ आजाद हरिमर्दन, उमा शंकर सिंह और श्याम सुंदर सिंह ही साथ हैं। लेकिन जिस तरह से बसपा में भगदड़ मची है, क्या बचे हुए विधायक भी बचेंगे, एक बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।